सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आ गया हूँ मैं सऊदी अरब से रिलेटिव। मैं इसी तरीके की वीडियो सऊदी अरब से रिलेटिव लेकर आता रहता हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं एक इम्पोर्टेंट अपडेट देने वाला हूँ। जैसे कि आप सऊदी अरब में काम करते हैं और आपके जो रहने की जगहें होती हैं, जो आपको रूम मिलता है, उसमें आपके एक रूम में 10 लोग 5 लोगों को एक रूम में डाल दिया जाता है, जो कि रहने के लिए काफ़ी अच्छी नहीं होती है, बिल्कुल बेकार जगह होती है। सऊदी अरब की तरफ से एक अपडेट आई है कि आपकी अगर जहां आप रहते हैं वो जगह रहने लायक नहीं है। बलदिया वाले चेक करने आए थे, यानी कि वहाँ पर चेकिंग हुई थी, तो चेकिंग के दौरान 900 कुछ जगहों पर चेकिंग हुई है, जिसमें से 180 जगहें ऐसी हैं जो बिल्कुल भी रहने लायक नहीं थी। तो वहाँ पर बलदिया वालों ने उसको खाली करवा दिया है। अगर आपके यहाँ भी इस तरीके का कुछ है तो आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सऊदी अरब में जो बंदे रहते हैं उन लोगों को इस तरीके से रखा जाता है जैसे कि भेड़ बकरियों को जिस तरीके से भर दिया जाता है एक रूम के अंदर। इसीलिए सऊदी सरकार ने ये फैसला किया है कि आपके रहने की सहूलियत होना चाहिए, रहने की जगह अच्छी होना चाहिए, वहाँ पर कचरा नहीं होना चाहिए। सऊदी अरब की तरफ से बलदिया वाले चेक कर रहे थे, लेकिन इस समय कार्रवाई हुई है और जो 180 जगहों पर कार्रवाई हुई है, मतलब 180 जगहों को चेक किया गया था, वहाँ रहने लायक कुछ नहीं था। तो ऐसी जगहों पर हुकूमत ने बताया है कि उनके मैनेजर या मैनेजमेंट या कपिल या कंपनी को वहाँ पर बुलाया गया है कि उनसे अब इस बारे में बातचीत की जाएगी। एक अपडेट और है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कि कुछ मेरे ड्राइवर जो लोग हैं, वो ड्राइवर गाड़ी चलाने से पहले जैसे कि कहीं जाते हैं, उसकी मैडम उनके साथ में होती है और मैडम उतरती हैं तो फिर पार्किंग के लिए ड्राइवर जाने लगता है, तो अचानक से उनका जो बुरखा पहन के आती हैं तो अचानक से एक बुरखा देख सकते हैं। आपने वीडियो में देखा होगा और आप वीडियो में देख भी सकते हैं कि जैसे कि उनका बुरखा जब फंस गया था और इस तरीके से वो ज़मीन पे गिर गई थी। तो आप लोग अगर सऊदी अरब में काम करते हैं तो आपको तो पता होगा कि जो आपकी मैडम होती हैं वो बुरखा पहनकर ही जाती हैं कहीं पर भी। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें, उनको उतरने दें सही तरीके से, उसके बाद ही आप पार्किंग के लिए जाएं। एक अपडेट और है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक औरत रोड पार नहीं कर पा रही है। तो वो देखिए, एक बंदा आता है वहाँ से, आप देख सकते हैं वीडियो में, वो बंदा उनको पार करवाता है, रोड क्रॉस करवाने के बाद में वो वापस आ जाता है। तो ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है सऊदी अरब में, और सऊदी अरब के जो लोग हैं, युवा हैं, वो इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं। तो आप लोग भी अगर कहीं पर खड़े हैं, किसी को रोड पार करवाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। कोई रोड पार नहीं जा पा रहा है तो आप उसकी मदद करेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं इसी तरीके की इम्पोर्टेंट वीडियो सऊदी अरब से रिलेटिव लेकर आता रहता हूँ और लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।